हजरत इमाम हुसैन अलैहि इस्लाम ने फरमाया, रमजान की आखिरी रातों में बार बार अपने गुनाहों की माफी मांगा करो और अल्लाह से दुआएं मांगा करो, क्योंकि ये 10 आयाम दोजख से निजात के होते हैं। और जब रमजान का आखिरी जुमा आए तो इस दिन असर की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर और फिर अल्लाह को उसके महबूब का वास्ता देकर यूं दुआ मांगो के ऐ अल्लाह, मेरे सारे गुनाह माफ फरमा और मेरी सारी दुआएं कबूल फरमा और मेरी सारी मुश्किलें आसान फरमा और दोजख की आग मुझ पे हराम फरमा। फिर इमाम हुसैन अलैहि इस्लाम ने फरमाया, जो इंसान रमजान के आखिरी जुमे के दिन सूरत फातिहा पढ़कर अपने गुनाहों की माफी मांगेगा, दोजख से निजात की अर्ज करेगा और अपनी दुआओं को अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह इस मुबारक दिन के सदके इंसान की उन मांगी हुई दुआओं को रद्द कर दे, क्योंकि ये दिन अल्लाह ने इंसानों की निजात के लिए रखा है और इस दिन मांगी हुई दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेता है। फौरन कबूल कर लेता है।